तो आज की हमारी इन क्लास में हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे डायलॉग बॉक्सेस के बारे में। डायलॉग बॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे मैसेज बॉक्स एंड इनपुट बॉक्स ऑटोमेशंस के बारे में, कैसे होता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक। तो हम यहाँ रूल इंस्टॉल करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं। सबसे पहले हम मैसेज बॉक्स के बारे में बात करते हैं, राइट। मैसेज बॉक्स मतलब कि प्रोग्राम रन करते समय या रन बीच में या शुरुआत में या बाद में एक पॉपअप, एक मैसेज देने का काम करता है एमएसजी बॉक्स, राइट। एमएसजी बॉक्स यहां से हम ले सकते हैं कि प्लीज। एक मैसेज इस तरह से हम दे सकते हैं, हाय वगैरह कुछ भी। तो एक मैसेज बॉक्स का भी अपना एक प्रोग्राम होता है, क्योंकि मैसेज बॉक्स हम डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन मैसेज बॉक्स को भी हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल ले, जैसे मैंने ले लिया ए इक्वल टू एम एस जी बॉक्स, इसमें जैसे देखिए प्रॉम्प्ट, बटन्स, टाइटल्स दिख रहा है आपको सर। तो इसके चलिए वन बाई वन पर, सबसे पहले मैं मैसेज बॉक्स में मैसेज कैसे डालेंगे। तो आप इसमें क्या बोलेंगे सर, इसमें क्या खासियत है, एम एस जी बॉक्स डालेंगे और इस पे जो मैसेज डालना डाल दें। हम बात कर रहे हैं मल्टी लाइन मैसेज की, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है, नेम, सिटी और अमाउंट। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये डेटा इसी सेम फॉर्मेट में मेरा मैसेज बॉक्स पे दिखे, समझे। तो मैं यहां पे लिखू, पहले लिखूंगा कि एक डिम एम एज ए कर देता हूं स्ट्रिंग, और एम इक्वल टू करता हूं, पहले मैं लिखूं कि यहां पे ठीक है, और फिर यहां पे देंगे m इक्वल टू m के साथ हम करेंगे vb न्यू, और फिर मैसेज पैसे देंगे, ओके। फिर m इक्वल टू m के साथ हम करेंगे यहां पे रेंज, नेम है ना यहाँ पे, मैनुअली भी लिख सकते हैं नेम, और फिर एन परसेंट वीवी टैग, एन परसेंट एन परसेंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिटी सिटी, फिर एन परसेंट वीवी न्यू नहीं टैप टैप वीवी टैप। सर इसमें रेंज वगैरह नहीं लेता है क्या? हाँ लेता है, देंगे रेंज, जो 52-36 रेंज ही देंगे ना हम। हेडिंग है तो हेडिंग ऐसे भी दे सकते हैं ना हम। ठीक है, फिर m इक्वल टू m के साथ हम कंबाइन करेंगे vv न्यू लाइन, और यहां पे नेम यह हमारा पूजा नोएडा 36। अब यहां पे m ये जो हमने ये लिया है इसी को कॉपी कर लेता हूं, और जहां पे नेम है उसके जगह पे नेम का रेंज आ जाएगा, रेंज 82 डॉट वैल्यू सर। सिटी के जगह पे सिटी का आ जाएगा, बी टू डॉट वैल्यू, और इसका C2.1।
अभी भी टैब एक मिनट इसको ये सट गया इसको हटा देते हैं स्पेस देना होता है और यहाँ पे हमने टैब नहीं दिया ना एम परसेंट नहीं दिया अब एम एस जी बॉक्स और इसमें हमने एम दे दिया राइट और फिर इसको यहाँ से हम सटा हुआ है सेम फॉर्मेट में एक टेबल फॉर्मेट में यहां दिख गया यहां पे देखिए हमने न्यू लाइन जो किया वो डिटेल्स के बाद नेम को लाइन ब्रेक करने के लिए किया और हमने जो वीवी टैग किया वो नेम और सिटी के बीच में जो टैग का जो गैप है इसके लिए किया राजेंद्र जी समझ में आया आपको जी सर वीवी टैग हाँ वीवी टैग किया नेम और सिटी के जो टैग का गैप है इसके लिए हाँ ठीक है जितना टैब चाहिए उतना ही वीवी टैब लिखना पड़ेगा आपका क्लास देखा है मैंने सर यूट्यूब में ठीक है ठीक है सर आगे बढ़े ओके तो ये हमारा हो गया अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये तो चलो ठीक है मैनुअल था लेकिन क्या एक पूरा का पूरा डेटा शीट आ सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ले लिया मेरे पास एक रेंज है एक एरिया है मुझे इस पूरे एरिया को मैसेज बॉक्स के ऊपर लेके आना है तो क्या आ सकता है ऑफ कोर्स आ सकता है चलिए इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं ओपन क्लोज जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई डेटा वगैरह सेंड कर रहे हो आप फॉर्म वगैरह बनाया आपने फॉर्म पे आपने डेटा को सेंड किया तो डेटा को सेंड करते समय इसका यूज कर सकते हो आपका कि डेटा सेंड करने से पहले मुझे दिखाए कि क्या सेंड कर रहा है पता है ना जब जैसे फॉर्म वगैरह भरते हो ऑनलाइन जब फॉर्म भरते हो तो उसमें बताता है कि क्या क्या भरा है फिर बाद में आपको सबमिट करने के लिए बोलता है हेलो जी सर तो सेम चीज ये होती ये चीज होती यहाँ पे हम मैसेज यहाँ पे देते हैं लूप लगाते हैं कि पहले से वेरिएबल लेंगे यहाँ पे कि dim m as a string डोम हो गया सर और यहाँ पे सर नाश्ता नहीं किया ना सर इसलिए थोड़ा सा उंगली से बात कर रहे हैं इधर सुबह सुबह है सर अंदर नहीं हो गया नाश्ता को साढ़े छः से सात बजे कर लेता हूँ रात में खाना नहीं खाता ना सर फिर तो अच्छी बात है रात को नहीं खाता शाम को शाम के 5-6 बजे जो नाश्ता कर लेता हूँ वही किया रहता हूँ हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं फिलहाल तो फिलहाल ऐसे रहने देते हैं और जे टू कितना एलिजिबल है कि आप इस लूप को ऑटोमेट कर सकते हैं आप तो जितना रो एंड कॉलम है उतना हमने लूप लगा लिया तो जे हो गया कॉलम के लिए और आई हो गया रो के लिए ठीक है नेक्स्ट आई होगा और यहां पे मैं कर देता हूं एम इक्वल टू एम के साथ एंड होगा वीवी टैब और फिर यहां पे सेल्स I, J. ठीक है और फिर यहां पे M, M
एम इक्वल टू एम के साथ कंबाइन होगा वीवी न्यू लाइन। वन बाई वन करके सारे वैल्यू इस पे आपका आ जाएंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में एम एस जी बॉक्स और यहां पे हम एम कर देते हैं। यहां पे इसको कीजिए गया। क्लियर है? यस सर। डाउट इसमें सर? नहीं सर। चलिए, जब ए रो इसमें कंडीशन लगता है कि नहीं सर, ए को हाइड करना है, बी को दिखाना है, सी को हाइड करना है, डी को दिखाना है, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे मत दिखाइए ना, यहाँ पे मत दीजिए एम के ऊपर, कंडीशन लगा लीजिए कि इफ मान लीजिए आपको दो दिखाना, मतलब कि ऑड दिखाना है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे नंबर दे दीजिए ऑड का। ओके, ऑड में दे दीजिए आप, नहीं ऑड नहीं देता, इवन मोड से हो जाएगा सर। हाँ मोड से भी कर सकते हैं कि मोड मोड में ये मोड मतलब ये कर दीजिए ना आपका मोड, जैसे कि आपने कॉलम करना चाहते हैं ना, तो हाँ मोड जे मोड मान लीजिए कि आप टू करना चाहते हैं। ठीक है सर, इसको क्लिक कीजिए, सेवेंटीन दिखा, 72 दिखा, ये दिखा, 84 दिखा। ठीक है सर, इवन नंबर हटा दे। हाँ अभी बात होती है, ये तो होगी सर ठीक, अभी तो आपने डिस्प्ले करना हो गया, अभी आपने क्या किया डिस्प्ले किया राइट, लेकिन मुझे डिस्प्ले के साथ साथ मुझे करना है, मुझे इनपुट लेने हैं सर, तो आप इसमें इनपुट भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम अगर तीसरा नंबर मैथड दिखाया आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि m इक्वल टू मैसेज बॉक्स एम एस जी बॉक्स, अब यहाँ पे आपका देते ही आता है प्रॉम, मतलब कि मैसेज बॉक्स तरह से लगा सकते हैं प्रॉम, मतलब कि मैसेज क्या देना चाहते हो, मैं क्या मैसेज डिस्प्ले हो, जैसे यू वन टू सेव, आपने क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद इस पे बटन क्या लगाना है, ये सारे बटन्स है, बाय डिफॉल्ट ओके और कैंसिल होता है ना सर, इसमें मैं से मैंने दे दिया यहाँ पे नीचे यस एंड नो राइट। और इसमें टाइटल मतलब कि ऊपर में टाइटल क्या लिखा है, तो मैंने बोल दिया कि प्लीज कंफर्म। ठीक है, जैसे मैसेज हम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका आ गया, तो अगर मैंने यस पे क्लिक किया तो एम के ऊपर वीवीएस सेव हो जाएगा, और नो पे क्लिक किया तो एम के ऊपर वीवी नो सेव होगा। इसमें मैं कर सकता हूं कि एफ एम इक्वल टू वीवीएस एंड आवाज नहीं आया सर, मैं बताऊं कि मैंने जैसे मैसेज बॉक्स किया और मैसेज बॉक्स पे क्लिक किया, देखिए मैसेज बॉक्स पे मैंने क्लिक किया तो अब मैं एस पे क्लिक करूंगा तो एम के ऊपर सेव होगा वीवीएस, अगर मैं नो के ऊपर क्लिक करूंगा तो एम के ऊपर सेव होगा वीवी नो, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि इफ एम इक्वल टू वीवीएस दैट हम फाइल को सेव करें, अदरवाइज नहीं सेव करें, समझे जी सर। तो इस तरह के मैसेज दे सकते हो, और इसकी डिटेल्स जो है आपको मिलेगी इसमें बुक में, आपको मैं बुक भेजा था सर, वो बहुत बड़ा सर है, बहुत ज्यादा अच्छा चीज है वो, पूरा एक्सेल है। हाँ
तो इसमें आपका जो बुक था वीवीए बुक था, मैं इसी को ओपन करता हूँ। जो आपने ऑनलाइन भेजा था वही ना साइट? हाँ 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 वही लिंक जो था। हाँ डाउनलोड कर लिया था ना आपने? हाँ वो लिंक किया था, वो सेव करते हैं। ये बुक साहब आप परचेज भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके जो इसमें इंडेक्स में आता हूँ मैं, आपका एडवांस बकबिक यूजर फॉर्म, बकबिक यूजर फॉर्म में ही आपका आएगा 399 नंबर पेज, 399 नंबर पेज। ये है सर मेरे पास भी, आपने भेजा है? ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास दूसरा सर ही। तो दूसरा मेरे पास नहीं, ये नहीं है सर, आप सर्च कर लीजिए इसमें जल्दी आ जाएगा। 399 425, ठीक है 425 नंबर पेज है, ऐसे 12 नंबर चैप्टर है, 399 नंबर बुक का पेज है। इसमें आते हैं आपको, इसमें मैसेज बॉक्स ऑटोमेशन के बारे में दिया हुआ है। इसे पहले टिप बॉक्स दिया है फिर मैसेज बॉक्स दिया है, ये हमारा मैसेज बॉक्स, हम उल्टा। हाँ ये आपका मैसेज बॉक्स का है, मैसेज बॉक्स, द मैसेज बॉक्स फंक्शंस, राइट? ठीक है सर। आप देखेंगे ये आपका प्रॉम्प्ट हो गया, बटन्स हो गया, टाइटल हो गया। तो इसमें देखिए जो बटन्स है आपका, आप अभी हमने किया था ना वी वी एस एंड नो, तो ये वैल्यू, इसका वैल्यू नंबर 4 है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे जब इनपुट बॉक्स यहाँ पे कोड लगाया था, तो इसके जगह पे यहाँ पे जो बी वी एस और नो किया था, इसके जगह पे मैं 4 भी कर सकता हूँ। तो 4 करने पे भी मुझे मेरा जो है ये दिखेगा यस एंड नो, ठीक है? तो इतना बड़ा नंबर, सॉरी सर मेरा रीस्टार्ट हो गया था मोबाइल। ओके ठीक है सर। तो जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे कि मैंने यहाँ पे वी वी एस एंड नो लिखा था, इसके जगह पर मैं 4 भी लिख सकता हूँ। क्यों 4 लिख सकता? क्योंकि यहाँ इसका सीक्वेंस नंबर 4 है, ऐसे ही बाकी नंबर भी, जैसे मान लीजिए किसी और भी है। अब जैसे कि आपका रिट्राई कैंसिल है, अभी वी वी क्रिटिकल, अभी हम एक चीज देख लीजिए, आपका वी वी क्रिटिकल है, दिख रहा है आपको सर, इसका नंबर 16 है। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करूंगा कि 4+16 कर देता हूँ, कर दिया ना सर। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें सब कुछ तो रहा, लेकिन क्रिटिकल का सिंबल आ गया और इसमें एक साउंड आ गया, समझे जी सर? ऐसे यहाँ पे और भी, तो इसमें जरूरी नहीं कि मैं 16 ही लिखूं, मैं नंबर ऐसे याद करने के लिए 16 आपको याद रहेगा, पर यहाँ पे वी वी क्रिटिकल भी आप लिख सकते हैं प्लस करके। ओके जी सर, वी वी क्रिटिकल है। हाँ वी वी क्रिटिकल, और इसमें क्रिटिकल के जगह पे मान लीजिए मुझे ये देना है, एक्सप्लेनेशन देना है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन देना है, तो मैं यहाँ पे 32 कर सकता हूँ, इसके जगह पे 32। तो इसमें क्या होगा, क्रॉस के जगह पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ जाए और साउंड हट जाएगा। उसके बाद यहां पे हम बात करें, यहां पे मैं 64 दे दूंगा तो इंफॉर्मेशन होगा, 48 आऊंगा तो एक्सप्लेनेशन मार्क हो जाएगा यहां पे 48। तो ये नंबर्स भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, और राइट जी सर, ठीक है। दूसरा चीज कि यहाँ पे जो हमने मैं वी वी एस एंड नो किया है, तो इसके लिए भी इसका एक टेबल है कि वी वी ओके के लिए 1 है, वी वी कैंसिल के लिए 2 है, वी वी अवॉर्ड के लिए 3 है, वी वी रिट्राई के लिए 4 है, वी वी इग्नोर के लिए 5 है, वी वी एस के लिए 6 है, वी वी नो के लिए 7 है। तो यहाँ पे मैं
सेवन कर सकता हूं या सिक्स कर सकता हूं, समझे। अब यहां पे मैंने एम को डिफाइन नहीं किया हुआ है ना, अगर आप चाहते हैं कि एम को मैं एम को डिफाइन कर लूं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे आपका एम जो है वर्क नहीं करेगा बिना डिफाइन किए हुए, राइट सर, बिना डिफाइन किए हुए एम हमारा वर्क नहीं करेगा, तो वहां पे क्या करेंगे हम, हेलो, वहां पे हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे इंटीजर से कि dim m as a integer, राइट सर। तो आप बोल रहे थे कि आपके पास ये फाइल नहीं है, राइट? नहीं, ये वाला फाइल नहीं है सर। तो मैं भेज देता हूँ बिट्टू सिंह ना, और मैं इसको अटैच करता हूँ। नहीं, इसमें होगा मेरे पास ऑलरेडी फाइल होगा, अटैच करने में टाइम लग जाएगा। फॉरवर्ड कर दूं इसको मैं, कर दीजिए। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसमें जो है आपका इसमें ये तो मैंने मैसेज बॉक्स पढ़ाया, उससे पहले इनपुट बॉक्स के बारे में दिया हुआ, राइट? तो इनपुट बॉक्स में पहले पढ़ लीजिएगा, अगर समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको ये करा दूंगा, राइट? इनपुट बॉक्स ऐसे मैंने पढ़ा, एक साइट है ऑनलाइन सर, उसका नाम है तो उसमें क्या है कि जैसा जितना भी सारा चीज टॉपिक को अच्छे मतलब कि डिटेल्स में कवर किया हुआ था, तो उसमें मैंने इनपुट बॉक्स वगैरह पढ़े थे, लेकिन यूज नहीं करना है नहीं अभी उतना यूज करेगा जब तक। देखिए, मैसेज बॉक्स मैंने आपको बताया ये आपका जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आगे चल प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे अभी जैसे कल मैंने प्रोग्राम बनाएंगे, कल आपने ये बना लिया था, पासवर्ड पूरा ही बनाया था, तो आपने मोस्टली चीजों पे देखा होगा, मोस्टली जगहों पे देखा होगा कि कुछ भी सबमिट करने से पहले एक बार कंफर्मेशन जरूर मांगता है, क्या? जी सर, जी सर। तो कंफर्मेशन मांगने की चाहिए, जब आपने फॉर्म ही बनाया, मान लीजिए आगे चल के मेलिंग करने का या डेटा स्ट्रैक करने का, तो आपको कंफर्मेशन का कोड देना पड़ेगा, क्योंकि होता है क्या है, गलती से मान लो क्लिक, तो मान लीजिए ना कि एक गलती से आपका एक माइक्रो में, इसी मैंने क्यों किया था तो एक मेरा एक माइक्रो था जो कि एक बार में 350 रिपोर्ट बनाता था सर। मैंने क्या किया था कि हमारे जो बॉस थे ना, वो हर आधे घंटे में बोलते थे, सुजीत यार मुझे ये डेटा पे इस तरह का समरी दे दे, मेरे डेटा पे यार क्लाइंट पे समरी दे दे, मेरा डेटा का फ्लाइट पे समरी दे दे, तो इससे समरी बहुत मांगते थे। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक माइक्रो बनाया था जो कि उस डेटा पे होने वाले 300 से ऊपर रिपोर्ट्स को क्रिएट कर देता था, माने कि हर एंगल से समरी क्रिएट कर देता था। तो वो जब माइक्रो चलता था तो कम से कम एक से सवा घंटा का टाइम लेता था सर। तो कभी कभी गलती से फाइल ओपन हो गई और बटन पे क्लिक हो गया, तो सवा घंटे के लिए तो मेरा फाइल हैंग हो जाएगा ना सर। तो उससे पहले इसलिए उसमें हमें कंफर्मेशन कोड, मैंने पहली बार कंफर्मेशन कोड तभी सीखी थी 2009 में डालने मैसेज बॉक्स डालने का, कि मैसेज पहले वो कंफर्म करे। जैसे मान लीजिए ना आपका एक्सेल में देख लीजिए, जब भी कोई फाइल आप क्लोज करते हैं तो आपसे कंफर्मेशन मांगता है ना, वो डायरेक्ट क्लोज क्यों नहीं कर देता है? डायरेक्ट क्लोज नहीं करता है ना, कंफर्मेशन मांगता है, क्योंकि आपका डेटा माने कि अननेसेसरी, जैसे आप अनवांटेड क्लिक में हो गया हुआ आपका सर, समझे सर? यस सर, यस सर। तो इसका यूज आप कर सकते हैं।
आगे बढ़े सर इसमें? ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसलिए कंफर्मेशन जो रही है और इनपुट बॉक्स के बारे में है, तो इनपुट बॉक्स में से आप जस्ट इनपुट ही लेते हैं ना सर, इसमें भी टाइटल्स होते हैं और इसमें भी आपको टाइप ऑफ इनपुट्स होते हैं सर। जैसे कि यहाँ देखिए, आपको फॉर्मूला लेना है, नंबर लेना है, या फिर एक रेफरेंस लेना है, एरे लेना है, सब टाइप होता है। जैसे यहाँ देखिए, इसने इनपुट बॉक्स में फॉर्मूला सेलेक्ट किया हुआ, एक एक रेंज सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे आप लीजिए, मान लीजिए कि आपने एक कॉपी पेस्ट करने का एक कोड बना दिया, तो उसमें रेंज तो फिक्स है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, यूजर एट अ टाइम उस रेंज को सिलेक्ट करें तब मेरा कॉपी पेस्ट चले, समझे कि नहीं जी। तो इस तरह का इनपुट बॉक्स आप बना सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्सेस, क्योंकि एक इंटरफेस होता है आपका। माइक्रो ऑटोमेशन तो है, लेकिन ऑटोमेशन एक ही जैसा ऑटोमेशन सब पे ना चले, वी यूज द डिफरेंट डिफरेंट, तो उस केस में इसका यूज करते। तो इसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है सर? ठीक है, फिर हम कल की क्लास में आप okay, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कराएंगे, वो कराएंगे आपको गेट ओपन फाइल नेम मेथड फ्रॉम डायरेक्टरी, इसके बारे में। गेट सेवेज फाइल नेम मेथड फ्रॉम डायरेक्टरी, जैसे मान लीजिए ना, हमने आपके एक फोल्डर से सारे डेटा को कॉपी पेस्ट एक के नीचे करना है, राइट? तो और मैं चाहता हूं कि हर बार कोई अपना फोल्डर सेलेक्ट करे, या फिर आपने मान लीजिए मेल करने का सिस्टम बना दिया, जिसमें आपने अटैचमेंट के लिए आप ब्राउज बटन बनाना चाहते हो कि अटैचमेंट, क्योंकि एक ही अटैचमेंट होती नहीं है। जब मैं मेल करूं तो मैं अटैच कर सकूं, जैसे आउटलुक में जीमेल में अटैच करता हूं, ऐसे मैं अपनी माइक्रो यूजर फॉर्म में भी अटैच कर सकूं। तो सर FSS होता है ना उसमें? हाँ, तो उसके कई सारे चीजें हैं उसमें, बहुत पढ़िएगा ना, इसको पढ़िएगा, अगर टाइम मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो नॉलेज है वो अधूरी नॉलेज है, पूरी नॉलेज नहीं है। नहीं, जो मुझे पता था मैंने बोल दिया। हाँ, फॉर्म डायरेक्टरी से होता है, तो फॉर्म डायरेक्टरी से भी होता है, इसमें गेट ओपन फाइल नेम सेवेज भी होता है, FSO, ये आप देखेंगे आपका ये होता है, आपका एक्सेल सेव एज फाइल नेम भी होता है, ये आपका गेट ओपन फाइल होता है, ये चीजें भी। तो ये तीनों का अलग अलग यूज है, अलग अलग सिचुएशन है और अलग अलग यूज है जी। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम सर। एक